सवाईमाधोपुर से खबर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता पहुंचे सवाईमाधोपुर और कल दूसरे चरण के मतदान को लेकर व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया है। मतदान दलों के गंतव्य स्थल पर रवानगी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण उन्होंने किया है। जिला कलेक्टर से ली वेबकास्टिंग प्रक्रिया की जानकारी और मतदान केंद्रों का भी जायजा वो ले सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, संभागीय आयुक्त सवरमल वर्मा, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर खुशाल यादव भी साथ में मौजूद रहे। एसपी ममता गुप्ता, गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी मौजूद रहे। गंगापुर सिटी के एसपी सुजीत शंकर सहित अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरे सहयोगी संदीप जुड़ गए। संदीप, क्योंकि वो पहुंचे हैं तो कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी करने की कोशिश करेंगे और जोश भी बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल विजेंद्र, बताना चाहूंगा, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता हैं वो अभी थोड़ी देर पहले सवाईमाधोपुर पहुंचे हैं। द्वितीय चरण में जो 13 सीटों पर मतदान होगा उसको लेकर टोंक सवाईमाधोपुर सीट का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। टोंक उन्होंने सुबह निरीक्षण किया था और अभी सवाईमाधोपुर पहुंचने के बाद वो सीधे साहू नगर स्कूल पहुंचे और वहां जो मतदान दल हैं जो रवानगी ले रहे थे अपने अपने गंतव्य की ओर, उनका उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मतदान जो कार्मिक है जो कल मतदान संपन्न कराएंगे उन्होंने जोश भरा और बिल्कुल भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए उन्होंने जो है एक तरह से पूरा संदेश दिया है सभी कार्मिकों को और कहा है कि एक लोकतंत्र के महापर्व में अच्छे से अपनी भागीदारी निभाकर अधिकाधिक मतदान के लिए जो है पूरी कोशिश करें। ठीक है संदीप, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि टोंक सवाईमाधोपुर ये बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ संवेदनशील बूथ भी बहुत ज्यादा है और बाकायदा प्रवीण गुप्ता ने पूछा भी है कि भाई वेबकास्टिंग की व्यवस्था क्या है, यहाँ कितने बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। अभी जो यहाँ जो जितने भी संवेदनशील बूथ हैं उनके लिए वेबकास्टिंग की जो प्रक्रिया की जा रही है तो उसका भी उन्होंने जो जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जायजा लिया है, बड़ी बारीकी के साथ उन्होंने जायजा लिया है। क्योंकि टोंक सवाईमाधोपुर सीट की बात करें तो यहाँ एक जातिगत समीकरण काफी हावी रहते हैं, ऐसे में संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने जो है जिला कलेक्टर जो है डॉक्टर खुशाल यादव, एसपी ममता गुप्ता मौजूद रही और गंगापुर सिटी भी जो चूंकि नया जिला बना है लेकिन संसदीय क्षेत्र यही लगता है तो ऐसे में गंगापुर सिटी के जिला कलेक्टर भी एसपी भी मौजूद रहे और उन्होंने उनको निर्देश दिए हैं कि वो बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराएं। ठीक है संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।